राउंड हो गया। कोलायत, कोलायत से बड़ी खबर है। कोलायत में 11वां राउंड कोलायत में 11वें राउंड के बाद में अंशुमान सिंह भाटी बीकानेर जिले की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए 25,000 मतों से आगे। कोलायत में अंशुमान सिंह भाटी लगभग 25,000 वोटों से आगे हैं। सबसे बड़ी जीत जिले की कोलायत की जनता देने जा रही है। अंशुमान सिंह भाटी भाजपा के कांग्रेस के तीनों मंत्री बुरी तरह से हार रहे हैं। और जो बड़ा अपडेट इस वक्त मैं फिलहाल बिल्कुल कोलायत में जहां काउंटिंग चल रही है उसके सामने से खड़ा हूं। अभी 11 नतीजे जो हैं, 11 राउंड जो हैं उनका नतीजा सामने आ चुका है और लगभग 25,000 वोटों से अंशुमान सिंह भाटी बीकानेर जिले की अब तक की सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ते हुए। नोखा के बारे में अपडेट मैं आपको कर दूं, 11 राउंड में नोखा में जो सुशीला डूडी है वो 2215 वोटों से आगे, 2215 राउंड नोखा के हो चुके हैं। सुशीला डूडी जो है उन्होंने यहां पर बढ़त बनाई है। इसके अलावा बाकी की अन्य जितने भी सीट हैं बीकानेर जिले की वहां भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। कुल मिलाकर अंशुमान सिंह ने जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कुलदीप जी, बड़ा रिकॉर्ड अंशुमान सिंह जी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहली बार चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट मंत्री को हरा रहा है। जो मंत्री कहते हैं कि मैंने विकास के काम करवाए, कहीं ना कहीं सरकार ने सीधा सीधा कह दिया जनता ने कि सरकार ने काम अच्छे नहीं करवाए। ये बड़ी जीत, शायद बीजेपी को भी विश्वास नहीं था कि हम हर सीट पर बढ़त बढ़ाएंगे, इतनी बड़ी जीत हो सकती है, ये असंभव लग रहा था। लेकिन वास्तविकता अगर कहें तो बीजेपी के लिए बहुत खुशी की बात है, न केवल कोलायत बल्कि सभी जगह से निकल कर आ रही है। परंतु कोलायत में जिस तरह से भंवर सिंह भाटी दावा कर रहे थे, लगातार कोलायत के विकास का दावा कर रहे थे, वो दावे अब कहीं न कहीं हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं। 11 राउंड में अंशुमान सिंह ने 25,000 की बढ़त जो बनाई है वो अब नहीं लगता कि पिछड़ पाएंगे। कहीं से भी अंशुमान सिंह जो है वो चुनाव लूज करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नोखा में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। नोखा के बारे में कुलदीप जी, नोखा में 11वें राउंड में 2200 वोटों से आगे सुशीला डूडी, 2225 वोटों से सुशीला डूडी वापस आगे आ गई। बड़ी बात है, दो राउंड पहले वापस दो से 2200 के करीब बिहारी विष्णु आगे चल रहे थे। बड़ी अलग अलग पेटियां जो खुल रही है, बड़ी टक्कर आ रही है। पर यह है कि नोखा, लूणकंड और श्री डूंगरगढ़ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अभी नहीं कह सकते। नहीं, बाकी नोखा में नोखा सिटी अभी बाकी है। नोखा सिटी वो भी अगर बात करें तो बीजेपी वालों का ये दावा है कि सिटी में बिहारी विष्णोई को ज्यादा वोट मिले हैं और वो अभी खुलने बाकी हैं। जैसे ही नोखा में वो खुलेंगे तब नोखा की तस्वीर भी बदल सकती है। बीकानेर जिले की सातों सीट, रवि कन्हैयालाल जवर को भी तो वोट मिलेंगे सिटी से, सबसे बड़े उनको मिलने की संभावना है। उनके कैंडिडेट अभी बात कर रहे थे कि हम हो सकता है वापस आगे चले जाएं, इतनी लीड को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी लीड को कन्हैयालाल जवर पूरी कर पाएंगे। टक्कर तो बिहारी और सुशीला के बीच में रहने वाली है। अंतिम परिणाम का इंतजार करें। और अगर लून कंसर की बात करें तो देखो तीनों कंटेस्टेंट जो है सुमित, राजेंद्र मोंड और प्रभु, इन तीनों ने बड़ी जबरदस्त की टक्कर जो है अभी तक बना के रखी। वीरेंद्र बेनीवाल ने तीनों के वोट खराब किए हैं। अब कुछ कह नहीं सकते कि आगे पीछे क्या होगा। कभी 1000-2000 से वो आगे चल रहे हैं, 800-900 हजार के बीच से ज्यादा अंतर नहीं है तीनों कैंडिडेट में, इसलिए कुछ भी हो सकती है। नौ राउंड की क्या स्थिति है, क्या बता रहे हो आप? नौ राउंड में ये 25,867 वोट है सुमित गोदारा, 25,867 वोट नौ राउंड में सुमित गोदारा के हैं। प्रभु दयाल के हैं 24,066 वोट हैं, 20,190 वोट हैं राजेंद्र मुंड के। मतलब सुमित गोदारा यहाँ पर लगभग 1,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग 800,000 वीरेंद्र जी 10,000 वोट, बहुत बड़ा वोट वीरेंद्र जी बेनीवाल यहाँ लेके गए हैं। 10,870 11,000 वोट वीरेंद्र बेनीवाल नौ राउंड तक लेके गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं तीनों कैंडिडेट के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वीरेंद्र बेनीवाल ने कहीं थी न केवल खुद की बल्कि कांग्रेस की भी लुटिया डुबो दी, ये वास्तविकता है, बिल्कुल डुबो दी है। और 1500 से 2000 के बीच में जीत का अंतर भी नहीं रहेगा, चाहे फर्स्ट सेकंड हो चाहे थर्ड कैंडिडेट हो, सब कुछ समीकरण बदल दिए गए। अब हो सकता है कि किस तरफ क्या करवट लो, लेकिन सुमित गुदर अभी जीतते स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कई सीटों पर सुमित के पक्ष में आने के लोग बात नीचे चर्चा कर रहे थे। इसके बाद में अगर मैं कुलदीप जी आपसे बात करूं तो खाजू वाला जो है लूज मंत्री जी के बयान ही ऐसे हैं, क्या करें। मुसलमानों से जब मैंने बात की, मुझे याद है आप ही मेरे साथ में थे जब वसुंधरा राजे वहां पर आई, हेलीपैड पर बात कर रहे थे, तो कि हमें तो ऐसा कहा है कि कुछ है ही नहीं, जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है। तो सोचो कि उसकी स्थिति क्या कुछ होने वाली है, 20 से 22,000 से आगे चल रहा है सबसे बड़ी जीत। मतलब डोड़ बायरा जो शब्द था वो कहीं न कहीं गोविंदराम मेघवाल को भारी पड़ गया है। गोविंदराम मेघवाल यहां से 15,000 से ज्यादा
अंतर से चुनाव हारेंगे। अभी अपन बात कर रहे थे तो गोविंद राम देवकर खुद ये कह रहे थे अपने सामने कि मैं जहाँ से आगे रहने की संभावना है वहाँ से भी पिछड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं उन्होंने खुद ने अपनी हार भी स्वीकार कर ली। बिल्कुल, देखिए खाजूवाला जो है उसका नतीजा लगभग सामने आ चुका है, कोलायत का नतीजा सामने आ चुका है, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला जो है लगभग 8000 के आसपास जो है वो चुनाव यहाँ से लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए लून करांसर की, भारतीय जनता पार्टी के सुमित गोदारा और प्रभुदयाल सारस्वत में जबरदस्त टक्कर यहाँ देखी जा रही है। राजेंद्र मुंड भी उन्हें लगातार फॉलो करते हुए, उनका पीछा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नोखा से अगर बात कर ली जाए तो बिहारी लाल बिश्नोई और सुशीला डूडी में कांटे की टक्कर है। कभी 2200 से 1000 से बिहारी आगे हो जाते हैं, कभी सुशीला डूडी आगे हो जाती है। देखना होगा नोखा सिटी के वोट कहां जाते हैं, और अगर नोखा सिटी ने भी बिहारी को वोट देने का मन बना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीकानेर के सभी 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है, बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए अपडेट ये है। एक हरदीप बरार है डूंगरराम गैदर का पूछ रहे हैं, गैदर साहब तो शायद जीत रहे हैं। संगरिया से बड़ा अपडेट है, वहाँ कांग्रेस के अभिमन्यु पूनिया जो है वो लीड बनाए हुए हैं, हनुमानगढ़ में गणेश राज बंसल लीड बनाए हुए हैं, अनूपगढ़ से शिमला नायक लीड बनाई हुई है, भादरा में बलवान पूनिया बहुत कम मार्जिन से लीड बनाए हुए हैं, संजीव और बलवान में बड़ी टक्कर है, अब तकरीबन 150 के आसपास जो है अंतर बलवान पूनिया और संजीव। कैसे देखते हो तीनों मंत्री के हाल बिहार, क्या कमी है? देखिए तीनों या स्वयं सीएम बने हुए अपने खुद के, एक ही लाइन याद आती है मुझे, अशोक गहलोत ने कहा था कि मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते मत थकना। खुद का घर या फिर जनता? नहीं नहीं, वो हुआ ये कि विधायकों ने खूब मांगा, अशोक गहलोत ने खूब दिया, परंतु वो जो मांगा ना वो जनता तक नहीं पहुंचा। अगर जनता तक पहुंचता तो इतनी बड़ी हार नहीं होती, इतनी बड़ी हार नहीं होती। हो सकता है अगली बार टिकट मिले नहीं मिले, ये भी चिंता का विषय, क्योंकि अगली बार ज्यादा मार्जिन रहा तो हो सकता है नए कैंडिडेट को। चलिए फिर अभी तक के जो टोटल आंकड़े जो है, अब आपको पल पल मेरे साथी कुलदीप के साथ मैं यहाँ से मतगणना स्थल से पहुंचा रहा हूँ। आप देखिए कोलायत का ये जो नजारा है, भीतर से मैं आपको दिखाता हूँ कोलायत में किस तरह से काउंटिंग जो है वो चल रही है। ये देखिए आप पीछे कोलायत के लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मतगणना स्थल के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है परंतु हम बाहर से कवरेज कर रहे हैं आप तमाम लोगों को जो दिखा रहे हैं। यहाँ पर अब इतनी बड़ी जीत निश्चित कोलायत की हो चुकी है कि सुरक्षा कर्मी भी अब आराम से बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ फिलहाल कोई कैंडिडेट नहीं पहुंचे हैं, भंवर सिंह भाटी भीतर जरूर मौजूद हैं, काफी देर तक उन्होंने यहाँ पर जद्दोजहद मशक्कत की, परंतु लगता है कि अब यहाँ अंशुमान सिंह भाटी ने एक बड़ी जीत की और अपने कदम जो है वो बढ़ा दिए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ देर बाद में अन्य अपडेट्स के साथ और मैं हाजिर होऊंगा और आपके साथ सटीक आंकड़ों के साथ में जो जनता की तस्वीर है, जो जनता का निर्णय है वो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शुक्रिया।